नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। पाकिस्तान में एक मशहूर मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि वह जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के करीबी थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में मौलाना के जैश कनेक्शन के बारे में कुछ ठोस जानकारी नहीं मिली है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मशहूर धार्मिक नेता नाथ खवान मौलाना रहीमुल्लाह और मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की गोली मारकर हत्या। घटना कराची की है। अज्ञात हमलावरों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब मौलाना एक धार्मिक सभा में शामिल होने जा रहे थे। हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। कराची पुलिस का कहना है कि मौलाना की हत्या टारगेट किलिंग से जुड़ी हुई हो सकती है। मौलाना रहीमुल्लाह के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह जैश ए मोहम्मद की वांटेड आतिक मसूद अजहर के करीबी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में हालांकि मौलाना के जैश कनेक्शन के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। हाल के दिनों में पाकिस्तान में कई टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। खैबर पख्तूनवा के बाजौर में इससे पहले लश्कर ए तैयबा के कथित एक सीनियर कमांडर अकरम खान गाजी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दावा किया जाता है कि लश्कर आतंकी फौज में रिक्रूटर का काम करता था। दावे के मुताबिक वह भारत में कट्टरवाद को बढ़ाने और कथित रूप से कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। पाकिस्तान में आए दिन हो रहे टारगेट किलिंग में परिस्थिति अस्पष्ट है और किसी भी संगठन ने इस हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली। ध्यान देने की बात यह है कि घटनाओं के लिए पाकिस्तान ने खुले तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी पर उसकी सीमाओं के भीतर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का दावा है कि इन हत्याओं को भारतीय एजेंसी अंजाम दे रही है और उसके पास इसके सबूत भी है। हालांकि भारत स्पष्ट रूप से बिना सबूत वाले इन दावे को खारिज करता है। ढागरी आतंकी हमले में मास्टरमाइंड रहा रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की कब्जे वाली कश्मीर की एक मस्जिद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक अन्य मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर के रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। उसे इम्तियाज आलम के नाम से जाना जाता था। हालांकि इन हत्याओं के पीछे की वजह साफ नहीं। स्थानीय पुलिस ने भी इन मामलों पर कोई ठोस ऐसा बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान में लगातार हो रही हत्याओं ने आतंकियों के नींद उड़ा दी है। पिछले महीने पाकिस्तान में भारत के एक और मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने लतीफ के सियालकोट में गोली मारकर हत्या कर दी। लतीफ 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। वह स्टेशन पर हमला करने वाले चार आतंकियों को पाकिस्तान से बैठाकर निर्देश दे रहा था। इससे पहले इसी साल 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिल ने खालिस्तान कमांडो फोर्स चीफ परमजीत सिंह पंजवार की गोली मारकर हत्या की। आपको बता दें कि पाकिस्तान हाल के दिनों में कई भारत विरोधी आतंकवादियों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लश्कर ए तैयबा के पूर्व कमांडर अकरम खान और अकरम काजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अकरम भारत के खिलाफ जहर उगलता था। वह 2018 से 2020 तक लश्कर में भर्ती काम कराने वाले और अकरम लश्कर के टॉप कमांडर में से एक था। वह लंबे वक्त से आतंकी गतिविधियों में शामिल था।